जो हमारे भोपाल जिले के लिए खासतौर पर कहा जाता है, इस इलाके के लिए कहा जाता है कि गेहूं की बोनी हमारी 30 नवंबर तक किसी भी हालत में हो जानी चाहिए। तो यदि आपका खुदा ना खासा किसी वजह से बोनी में देरी हो रही हो तो जीरो आप जितना समय खेत को तैयार करने में लगाएंगे उसी समय को बचाते हुए सीधे सीधे जीरो डिले तकनीक से आप बोनी कर सकते हैं और इस तरह से वो समय भी बचा सकते हैं और इस वजह से आपको फसल के पकने के लिए ज़्यादा दिन मिलते हैं और इन ज़्यादा दिनों की वजह से फसल की पकवार अच्छी होगी और इसी वजह से फसल की पैदावार और आपका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से आपकी आय में भी इजाफा होता है। के संपर्क में रहने वाले कुछ प्रगतिशील किसानों को हमने जीरो डिले तकनीक के बारे में बताया था और उन्होंने अपने खेतों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर गेहूं की बोनी की और अच्छा उत्पादन और अधिक आय प्राप्त की। ऐसे ही एक किसान श्री शहाब दस्तगीर, उनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे ताकि उन्हीं की जुबानी जीरो डिले तकनीक की सफलता के बारे में आप सुने। गत वर्ष में केवीके भोपाल के संपर्क में आया और यहाँ डॉक्टर बड़ेगांवकर साहब ने मुझे जीरो टिलेज तकनीक के बारे में बताया। इसमें जीरो टिलेज की जो टेक्निक के बारे में बताया मैंने वो उसको एडॉप्ट किया और उसके बहुत ही अच्छे हमें परिणाम मिले। सबसे पहली चीज तो हमारे इसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ क्योंकि इसमें हमारे भाव कम हुए तो हमारा फ्यूल में काफी बचत हुई। दूसरी चीज जब बोनी करने के बाद में जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आती थी कि कोई जो दाना जर्मिनेट होने के बाद बीमे से दब जाता था तो वो चीज से हमें इसमें बहुत वो हुआ, इसमें दाना दबा नहीं, पूरा दाना बाहर आया और कोई में कहीं दबोकड़ा नहीं खाया। और तीसरा जब हम पानी फेर रहे थे खेत में तो जो दूसरे खेतों में पानी में समय ज्यादा लग रहा था इसके बोए हुए खेत में पानी बहुत कम लगा। अच्छा, अब उसमें अपन सबसे जो अहम बात ये है कि जो प्रयास है कि खर्चे को कम करना और आय को बढ़ाना, तो इसमें खर्चा तो हमारा कम हुआ ही हुआ प्लस हमारी इनकम में लगभग इसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई जो हम नॉर्मल जो पैदावार ले रहे थे पिछले सालों में उससे कहीं ज्यादा इसमें फर्क आया और 20 से 25% हमारा इसमें जो है वो पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। धन्यवाद।